इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांति मोटर्स छिंदवाड़ा। जिला जेल में आज स्पर्श मुलाकात कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 206 बच्चों को उनके माता पिता से स्पर्श मुलाकात कराई गई। बच्चों को स्पर्श मुलाकात के लिए सहज वातावरण प्रदान करने के लिए कमरे को रंग बिरंगे गुब्बारे और रिबन से सुसज्जित किया गया था। इस दौरान बच्चों द्वारा गीत गायन, पहेलियां और सुंदर डांस की प्रस्तुति दी, जिनके उत्साहवर्धन में पुरस्कार वितरण भी किया गया। बच्चों से मुलाकात करने के बाद कैदी भावुक हो गए, वहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरा परिवार कुछ पल साथ बिता सका। हम लोगों ने हमारी जो सरकारी और नैतिक जिम्मेदारी है उसको आगे बढ़ाते हुए एक सामाजिक जिम्मेदारी समझते हुए भी जेल में जो बंदी निरुद्ध हैं और जो बंदिनी निरुद्ध हैं उनके बच्चों से उन्हें स्पर्श करके मुलाकात करने की एक सुविधा प्रदान की है, ताकि वो अपने बच्चों को गले लगा सकें और मिल सकें। इससे उनका उत्साह, उनका तनाव, उनका टेंशन कम हो सके और जेल में वो अच्छे और अनुशासित तरीके से रहें और उनका जेल प्रशासन पर भरोसा हो। राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के मार्गदर्शन में जिले में जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज छोटा तालाब व कुंड में नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के सफाई कर्मचारियों व अधिकारियों के साथ श्रमदान कर साफ सफाई का कार्य किया और जल संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर अन्य अधिकारियों व गणमान्य नागरिकों ने भी सफाई कार्य में सहभागिता की। इस दौरान कार्यक्रम में निगम कमिश्नर CP राय, कार्यपालन यंत्री ईश्वर सिंह चंदेली एवं कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विवेक चौहान, निगम के अन्य अधिकारी, कर्मचारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। प्रशासन द्वारा जल गंगा अभियान, जल स्रोत हैं उनकी सफाई, जैसे कुआं, बावड़ी, तालाब वगैरह की सफाई और उनकी संरक्षा संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो अभियान चलाया गया है, उसके तहत आज छिंदवाड़ा जिले में छोटा तालाब और उसकी जो कुंड है उसकी सफाई की गई। मेरा आपके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा के निवासियों से अनुरोध है कि आप सब लोग एक अभियान के रूप में मिलकर के अगर पूरी जनता यहाँ पर मिल जाती है तो जल स्रोतों के संवर्धन संरक्षण के लिए बहुत अच्छा काम हो सकता है। छिंदवाड़ा लोकसभा से जीत हासिल करने के बाद नवनिर्वाचित सांसद विवेक बंटी साहू दिल्ली पहुंचे, जहां वे मुख्यमंत्री मोहन यादव, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय सहित अन्य नेतागण के साथ संसद में संसदीय सभा की बैठक में उपस्थित रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की। वहीं शनिवार को विवेक बंटी साहू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं पूर्व सांसद नकुलनाथ के प्रयासों से सोनी कंप्यूटर एजुकेशन गुलाबरा में जिले के जरूरतमंद एवं होनहार विद्यार्थियों हेतु नीट प्रतियोगिता परीक्षा का निशुल्क क्रैश कोर्स का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर 13 विद्यार्थियों ने सफलता प्राप्त की। विद्यार्थियों ने छिंदवाड़ा में ही निशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए कमलनाथ और नकुलनाथ को धन्यवाद दिया। विदित हो कि विद्यार्थियों को प्रतिदिन जिले के ही प्रशिक्षियों द्वारा थ्योरी क्लासेस के साथ एम्बाइव बेंगलुरु के माध्यम से वेब पोर्टल पर तैयारी करवाई गई थी। विद्यार्थियों को निशुल्क किताबों का वितरण भी किया गया था। परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों में मोनिका यदुवंशी, संजना साहू, स्वाति वर्मा, कृष्णा विश्वकर्मा, आस्था चौहान, पूर्वी कहार, मिथिली बघेल, अपूर्व लांजीवार, नेहा सहारे, हिमानी बघेल, सरस्वती तुमडाम एवं जाया ध्रुवे शामिल हैं। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MSDNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहां संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुँच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे पूनम चैम्बर।
राज्य शासन द्वारा जल स्रोतों के संरक्षण और साफ सफाई को लेकर स्वच्छ भारत मिशन जैसी कई योजनाओं को शासन प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा है और साफ सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने मैदान में कुछ अलग ही नजारा देखने को मिला। मैदान में स्थित कुएं में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जहां कलेक्टर खुद साफ सफाई का जिम्मा उठाकर जल संरक्षण और सफाई को लेकर संदेश दे रहे हैं, लेकिन आम जन इससे दूर नजर आ रहे हैं। निगम द्वारा कुएं पर जाली भी लगाई गई है, इसके बावजूद भी कुएं में गंदगी भरी पड़ी है। सूरज आग उगल रहा है, देश के कई हिस्सों में पारा 50 डिग्री को पार कर गया है। इस चिलचिलाती गर्मी में सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, कई इलाकों में पानी की किल्लत भी सामने आ रही है। इसी बीच सिवनी रोड पदम कॉम्प्लेक्स के पास मेन लाइन 3 दिन से टूटी पड़ी है, जिससे बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है। इसी तरह परासिया रोड स्थित कोल्ड स्टोरेज के पीछे भी बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हो रही है। एक और जहां भीषण गर्मी में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं, वहीं जिम्मेदार इस ओर ध्यान देना जरूरी नहीं समझ रहे। भाजपा कार्यालय में नरेंद्र मोदी के तीसरी बार भाजपा संसदीय दल एवं एनडीए गठबंधन का नेता चुने जाने के बाद कार्यकर्ताओं द्वारा आतिशबाजी एवं मिठाई वितरण कर जश्न मनाया गया। इस अवसर पर भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे एवं विजय झांझरी द्वारा सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी गई। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष विजय पांडे, प्रदेश कार्य समिति सदस्य विजय झांझरी, जिला कार्यालय मंत्री अल्केश लांबा, मंडल अध्यक्ष अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष गरिमा दामोदर, महामंत्री ओम चौरसिया, राजकुमार बघेल, पंकज पाटनी सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजादी के बाद पहली बार आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला है, यह ऐतिहासिक विजय है और आज हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हमारे जिले के माटी पुत्र पहली बार संसद में बैठकर श्री विवेक बंटी साहू जी और छिंदवाड़ा जिले को गौरवान्वित। विवेक बंटी साहू जी संसद पहुंचे हैं और हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है, उस खुशी में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज आतिशबाजी की, पटाखे फोड़े और मिष्ठान वितरण कर एक दूसरे को बधाइयां दी। आप सबको बहुत बहुत बधाई। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लिप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यता देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सबकी इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। राज्य शासन के निर्देशानुसार जल स्रोतों के संरक्षण एवं पुनर्जीवन के लिए 5 जून से 16 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने आज कलेक्टर कार्यालय के सभाकक्ष में सीईओ जिला पंचायत सहित सभी सीईओ जनपद पंचायत एवं आयुक्त नगरपालिक निगम सहित सभी नगरपालिका अधिकारियों की बैठक लेकर अभियान की तैयारियों और क्रियान्वयन की समीक्षा की और इस अभियान को जन अभियान के रूप में संचालित करने के निर्देश दिए। बैठक में वर्षा पूर्व की जाने वाली विभिन्न तैयारियों की समीक्षा की गई और संबंधित जिला अधिकारियों को समय पर सभी आवश्यक तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पांडुर्ना विकास खंड के ग्राम नरसला में 28 वर्षीय युवक अंकित हिगवे ट्रैक्टर से गोबर खाद लेकर ग्राम पठारा के किसान के खेत की ओर जा रहा था, लेकिन गांव से पहले चढ़ाई पर ट्रैक्टर चढ़ाते हुए अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसके नीचे दबने से अंकित की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना नंदनवाड़ी चौकी पुलिस को दी गई, जिस पर चौकी प्रभारी लेखराम पहाड़े एवं सब इंस्पेक्टर यादव द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर एक अन्य वाहन की मदद से दबे ट्रैक्टर के नीचे से अंकित का शव निकला, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दुर्घटना की जाँच की जा रही है। नरसिंहपुर रोड स्थित राजपूत क्षत्रिय महासभा के भवन में 9 जून रविवार को महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर जगन्नाथ स्कूल परिसर में सुबह 9 बजे से विशाल स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने का फैसला राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा लिया गया है।
जिसकी जानकारी शुक्रवार को राजपूत क्षत्रिय महासभा द्वारा पत्रकार वार्ता कर आयोजित की गई। इस दौरान महासभा के अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह बैस ने बताया कि सुबह 9:30 बजे से स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें आंखों की जांच के साथ मोतियाबिंद का निःशुल्क ऑपरेशन कराने का फैसला लिया गया है। शिविर में मोतियाबिंद के ऑपरेशन में 15,000 रुपए के लेंस निःशुल्क दिए जाएंगे। 9 जून को सुबह 9 बजे से 1:30 बजे तक हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर रहेगा, जिसमें कि ये स्वास्थ्य शिविर में जो है कई चीज, इसमें ऑपरेशन वगैरह कई जो है उसके स्वास्थ्य के प्रति, उसका निःशुल्क रहेगा ऑपरेशन भी, और जैसे आंखों का चश्मे वगैरह है वो भी निःशुल्क दिए जाएंगे, और आँख के जो मोतियाबिंद के हैं वो भी आपको यानी निःशुल्क ऑपरेशन होगा इसका, और सभी प्रकार की स्वास्थ्य जाँच इसमें की जाएगी, जो कि 9 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक रहेगा। उसके बाद हमारा 4:30 बजे कार्यक्रम रहेगा अपना महाराणा प्रताप चौक पर, उनमें माल्यार्पण करना। ब्लड ग्रुप है, शुगर है, ECG है, ये फ्री किए जाएंगे, और साथ ही जैसे कि दम श्वास है, हार्ट से संबंधित सलाह है, इसमें विशेष अलग अलग फिजियोथेरेपी है, अलग अलग स्पेशलिस्ट इस शिविर के माध्यम से रहेंगे। ACM Eye Care के माध्यम से अपने शिविर में निःशुल्क मोतियाबिंद का ऑपरेशन किया जाएगा।